हाय गाइस, वेलकम टू सीएसएस सीरीज। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस बैकग्राउंड इमेज। द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई इन अ इमेज टू यूज अ बैकग्राउंड इफ एन एलिमेंट्स बाय द डिफॉल्ट। फॉर एग्जांपल रिपीटेड शो इज अ रिकवर एंटायर एलिमेंट्स। देखो, जैसे हमने सीएसएस में बैकग्राउंड में कलर दिया था, उसी तरह से सीएसएस में बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते। तो आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जाके देख लीजिए, मतलब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे बॉडी लिखा है और बॉडी के अंदर ये बैकग्राउंड एलिमेंट इमेज लिखा है, उसको यूआरएल दे दिया, फिर उसके अंदर लिख सकते। तो इस तरह से हम सीएसएस में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक से अटैच हो जाएगा। तो आपको नहीं पता होगा तो हम एक बार करके देखेंगे। तो गो टू विजुअल स्टूडियो। देखो, हम विजुअल स्टूडियो के उधर आ गए। इसी एग्जांपल है मेरे पास, मैं लाइव सर्वर में जाके दिखाता हूँ आपको। ये लाइव सर्वर पर मैं आ गया और इसको मैं क्या करता हूँ, इसी को ही मैं बैकग्राउंड को इमेज दे दूंगा। तो देखो, मैंने अभी यहाँ पे एक इमेज ले ली, टू जेपी डॉट जेपीटी लेके। फिर अभी मैं क्या करूँगा, ये कलर है ना, इसको हटा के मैं तो यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगा। इसको कमेंट कर दी, फिर अभी मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट करने के बाद बॉडी बॉडी के इसमें देखो बैकग्राउंड बैकग्राउंड के इसमें इमेज, और इसमें क्या करूँगा, यू आर एल ऐसा कर दूंगा। यू आर एल कैसे देखूंगा, जो मेरे पास टू डॉट, इसका नाम क्या है, टू डॉट जे पी जी, ये दे दी, सेव कर दी। फिर अभी लाइव सर्वर पे आऊंगा। देखो, लाइव सर्वर पे आ गया तो देखो जो मेरी कार की इमेज है, ये इमेज किसको आ गई, इसको बैकग्राउंड में आ गई। तो दिख रहा है आपको कि इसके बैकग्राउंड है, तो इसके बैकग्राउंड में वो इमेज आ गई और इमेज रिस्पॉन्सिव भी हो गया आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से होता है। तो इफ एनी क्वेरी देन कमेंट में। थैंक गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।